ग्वालियर में एक ऐसा ही मामला श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्वशासी विज्ञान महाविद्यालय में सामने आया है, जिसमें बिहार के बेगूसराय जिले के वीरपुर से परीक्षा देने आई महिला को पकड़ा गया है। यह महिला अपने भाई के साथ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देने यहां आई थी। यह महिला सुचिता कुमारी के स्थान पर परीक्षा दे रही थी, जबकि परीक्षार्थी बनी इस महिला का नाम पूजा कुमारी है। फर्जी परीक्षार्थी बनने के लिए इसके भाई अनिमेश चौधरी ने इसका साथ दिया। बीएड परीक्षा में शामिल होने के लिए ये सौदा कितने पैसों में तय हुआ है, इससे खुलासा करने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल केंद्र अध्यक्ष की शिकायत पर झांसी रूट थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जो साइंस कॉलेज के केंद्राध्यक्ष थे, वहाँ पर बीएड का एग्जाम हो रहा था, तो उन्होंने समान शिकायत की है कि कोई मूल अभ्यर्थी की जगह पे कोई दूसरा परीक्षार्थी पेपर दे रहा था। जिस समान उन्होंने शिकायत की है उस पर अपने अपराध पंजीकृत कर लिया और विवेचना जो भी तक सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो कमरा नंबर 33 में लड़की बैठी थी परीक्षा देने के लिए, तो वहाँ के जो वीक्षक थे उनने उनको डाउट हुआ, मिलान किया आईडी से, तो चेहरा नहीं मिल रहा था उसका। फिर बाहर पूछताछ की उससे, तो उसने स्वीकार कर लिया कि मैं दूसरा वो कैंडिडेट नहीं हूँ।